नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एज, हमारे खास एपिसोड क्वार्क स्पेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब न्यूज़पेपर का पेज बना रहे होते हैं तो उसमें कई सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको आपके पेज बनाते वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सब चीज़ कैसे होंगी और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा। दोस्तों, कई सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जो आपके डेली यूजेस के होते हैं लेकिन आप उनका यूज़ करना नहीं जानते और उसका कैसे यूज़ होगा वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिया हुआ है उसको दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप जो है इंसर्ट बॉक्स को आप बना सकते हैं और ये आपके न्यूज़पेपर में न्यूज़ लगाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखता है। दोस्तों, इससे आपका पेज की डिज़ाइन बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये इंसर्ट बॉक्स है और इसको हम जो है इस डिज़ाइन से बनाएंगे। ये कैसे बनेगा ये सब चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख रहे हैं जो खबर है हम यहाँ पर ले करके कॉपी किया हुआ है और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर हम पेश करेंगे। कुछ इस टाइप से पेश करने के बाद आपको इंसर्ट बॉक्स इस तरीके से देखने में लगेगा और आप देख रहे हैं कि आप हमको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ किया हुआ है और अब हम जो है यहाँ पर इसको हम डुप्लीकेट किया हुआ है, यानी स्टेप एंड रिपीट का ऑप्शन का यूज़ किया हुआ है और उसके बाद हम इसको कलर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स ही हैं क्योंकि ऊपर हम हेडिंग लगाएंगे और नीचे की तरफ जो है हम टेक्स्ट फिल करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने पूरा लिया हुआ है और अब इस जो नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि हमारा जो खबर है वो उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हो, इस डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट हो। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक फोटो बॉक्स का जो है हम पेन टूल लेंगे और इसमें जो है हम यहाँ पर छोटा सा एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका हल्का सा 3D लुक देना है तो इसको हम जो है ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल आपने हम इस तरीके ड्रॉ कर लिए। इसको हम जो है ग्रे कलर ले सकते हैं और ग्रे कलर ले सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कोई सा भी कलर हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रे कलर लिया हुआ है और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब ये जो टेक्स्ट है हमने यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है और यहाँ पर हम कंट्रोल एम करके दोस्तों इसके नीचे का जो है रन अराउंड जो है नीचे वाला उसे हम 10 का दे सकते हैं, 5 का दे सकते हैं, जितना भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ 10 दिया तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम चलिए 5 करके देखते हैं। तो 5 किया तो हमारा थोड़ा सा ठीक आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने रन अराउंड को किया था। अब हम जो है इंसेट की बात करें तो इसमें एक इंसेट देना होता है ताकि जो बॉक्स से मैटर जो है चिपके ना, जो टेक्स्ट आपका वो बॉक्स से चिपके ना। और यहाँ पर हमने 5x का इंसेट दिया हुआ है और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा इस बॉक्स से टेक्स्ट एकदम अलग हो चुका है और आप यहाँ थोड़ा और भी दे सकते हैं। तो ये कंट्रोल एम से दोस्तों आएगा टेक्स्ट बॉक्स के लिए इंसेट देने के लिए। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर लाइन टूल ले करके तो यहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया हुआ है, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया हुआ हमने और इसका जो है कलर आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे ब्लैक करें, ग्रे करें, रेड करें, किसी भी कलर को का यूज करके आप जो है यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन सभी को आप ग्रुप कर सकते हैं, कंट्रोल जी है ग्रुप करने के लिए, सभी को सेलेक्ट कर लीजिएगा सभी बॉक्सेस को, उसके बाद आप जो है कंट्रोल जी करके ग्रुप कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक एक बॉक्स को सेलेक्ट करके हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। याद रहे ग्रुप करके कभी आप जो है छोटा बड़ा ना करें तो उसका पूरा का पूरा शेप बिगड़ जाएगा। और इस तरीके से अब जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन का जो है कलर हल्का सा ग्रे कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अलग से दिख रही है। और अब देखेंगे आप हमारा जो है जो ट्रायंगल कलर है और जो लाइन कलर वो एकदम सेम हो चुका है और थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि 3D लुक में अब ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना ये इंसेट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर वाले में आप हेडिंग डाल सकते हैं या फिर ऐसे ब्लैंक भी रख सकते हैं। इसका कलर आप देख रहे हैं चेंज करके हमने दिखाया है तो जो इसका ऊपर का भाग है तो उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी कलर आपका देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जिस कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप देना चाहते हैं उस कलर कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं।
तो भैया आज की वीडियो को कैसे लगी नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कुछ नया जाना। दोस्तों जो चीज़ ना समझ में आई हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों हम इस तरीके की वीडियो आपके चैनल पर इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं और आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर ले और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।